हेलो दोस्तों, मैं हूँ साधना। मेरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों आप नॉर्मल इडली खाकर बोर हो चुके हैं तो हमारी यह मसाला भरवा इडली ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही चटनी बनाने का भी नहीं मन है या सांभर बनाने का नहीं मन है तो ज़रूर इस इडली को बनाइए, इसे बिना सांभर के भी आप खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए लिया हमने एक पैन, उसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, चटकने देंगे दोनों को। थोड़ा सा चटकने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन डालेंगे, भून लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से, भूनने देते हैं हम सभी चीज़ों को अच्छे से। डालेंगे उसमें हरी मिर्च, आप अगर लाल मिर्च पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा। 5-6 करी पत्ते डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू, जिसे मैंने हाथों से मैश कर लिया है। अगर आप ज़्यादा इडली बना रहे हैं तो आप अपने अनुसार आलू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम करेंगे आलूओं को अच्छे से मिक्स, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। दोनों चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आलूओं को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। देखिए इस तरीके से फोड़ फोड़ के अच्छे से हम भून लेंगे, जिससे हमारा मसाला आलू में अच्छे से घुस जाए। धनिया पत्ता डाल देंगे हम। बनकर तैयार है हमारी इडली की फिलिंग। तो चलिए करते हैं हम इडली के लिए बैटर तैयार। हम लेंगे एक डोंगा, उसमें हम डालेंगे आधा कटोरी सूजी, आधा कटोरी से थोड़ा कम हम डालेंगे दही, आप दही कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दही ज़्यादा डालने से इडली बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो हमें बैटर चाहिए वो अच्छे से बन सके। थोड़ा सा हम डालेंगे मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, थोड़ा सा ही डालिएगा बिल्कुल। अगर आपने जो है मोटी वाली सूजी ली है तो आप इसे ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, इसे बहुत ही अच्छी इडली बनकर तैयार होगी। अब लिया हमने कटोरी, कटोरी में हम तेल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों से अपने। अब हम इडली के लिए जो हमने आलू भून कर रखी थी इसकी हम टिक्की बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसकी टिक्की बना लेंगे। बन चुकी है हमारी टिक्की। अब हम अपने बैटर को डालेंगे कटोरी में, देखिए इस तरीके से डाल लेंगे। फिर हम रख देंगे टिक्की को कटोरी में। हल्के हाथ से बिल्कुल रखिएगा, दबाना बिल्कुल नहीं है। फिर से हम बैटर को ऊपर डाल देंगे इडली। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो तीनों कटोरी हमने तैयार कर ली है भरकर। हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी में उबाल आने देंगे, इसमें हम जाली रख देंगे। ये हमें प्रेशर कुकर के साथ जाली मिली थी तो हमने इसका यूज कर लिया है। आप चाहें तो थाली प्लेट किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। तीनों कटोरियों को रख देंगे हम जाली के ऊपर, लिड लगाकर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर इडली को हम पका लेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, लिड को हम हटाएंगे। टूथपिक की सहायता से देखिए इस तरीके से हम इडली को चेक करेंगे। अगर इसमें कुछ नहीं लग रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी इडली पक चुकी है। तीनों कटोरियों को पैन से निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद चम्मच की सहायता से देखिए कुछ इस तरीके से हम घुमा घुमा कर इडली को निकाल लेंगे।
पलट लेंगे हम प्लेट में, एक एक करके सारी इडली को ऐसे हम निकाल लेंगे चम्मच की सहायता से। देखिए बनकर रेडी है हमारी इडली। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। तो